अपने डेथ सर्टिफिकेट के डरावने सच को देखा, अब मौत वाली ड्यूटी का पंचनामा दिखाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट उन शिक्षकों की मौत से जुड़ी है जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी थी, लेकिन उनकी ये ड्यूटी आखिरी ड्यूटी बन गई। दावा है कि पंचायत चुनाव में कोरोना से 1621 लोगों की शिक्षकों की मौत हुई, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। तो जिस तरीके से हालात बने, शिक्षक संघ कह रहा है कि 1621 लोगों की मौत हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 3 लोगों की मौत हुई, और मौत के इन आंकड़ों में उन परिवारों को क्या इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने अपनों को चुनावी ड्यूटी में खो दिया। अब सवाल यह है कि अगर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि केवल 3 मौतें हुई हैं, तो फिर क्या शिक्षक संघ झूठे आंकड़े दे रहा है? और अगर शिक्षक संघ के आंकड़े सही हैं, तो फिर 1619 परिवारों को आखिर कैसे राहत मिलेगी, न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि बड़ी संख्या में बातें सामने आई थी कि चुनावी ड्यूटी में शिक्षकों की मौत हुई, लेकिन विभाग इन मौतों को मानने को तैयार नहीं है और उसी का पंचनामा एबीपी गंगा कर रहा है। तमाम परिवारों से हमने बात भी की, इसमें मामला फंसा हुआ है। शिक्षक संघ कह रहा है कि 1 करोड़ का मुआवजा मिले, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको शिक्षक की नौकरी दी जाए और जो पढ़े नहीं हैं उनको लिपिक की नौकरी दी जाए, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि केवल 3 मौतें चुनावी ड्यूटी में हुई हैं, उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी, लेकिन बाकी मौतों से बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या उन परिवारों को न्याय मिलेगा, क्या उन परिवारों को राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आंकड़े बढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं या फिर आंकड़े सरकार की तरफ से छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सियासत भी होने लगी। पंचायत चुनाव की ये डराने वाली भीड़ आप भूले ना होंगे। इस भीड़ के बीच राज्य के बेसिक शिक्षकों ने जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी निभाई, चुनाव में योगदान दिया। इस दौरान बड़ी तादाद में शिक्षकों के संक्रमित होने और उनकी मौत की खबरें सामने आई। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था के चुनाव ड्यूटी के दौरान और इसकी वजह से कुल 1621 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी कर इसे नकार दिया है। इसका आधार तमाम डीएम से राज्य निर्वाचन आयोग को मिली अधिकृत सूचना को बताया गया है। निर्वाचन आयोग की एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि किस मृत्यु को चुनाव की ड्यूटी के दौरान की मृत्यु माना जाएगा। उस गाइडलाइन के आधार पर जब ये विवाद आगे बढ़ा तो राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वो जानकारी मंगाई, और उस आधार पर जो हमको अधिकृत सूचना मिली है वो ये मिली है कि हमारे 3 शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी के दौरान उनका निधन हुआ है। संघ ने दावा किया है कि ये वो 1621 लोग हैं जो चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए और बाद में इनकी मौत हो गई, इसलिए इनके परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाए और मृतक आश्रितों को नौकरी। यही वो सूची है जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। 19 मई को जारी इस प्रेस नोट से सरकारी मंशा साफ हो गई। इसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से किसी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मृत्यु होना सिर्फ उसके घर से ड्यूटी की जगह तक आने और जाने की हालत में ही माना जाएगा। इस नियम के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग सिर्फ 3 शिक्षकों को ही ऑन ड्यूटी मृत मान रहा है। इसने शिक्षक संगठनों और कर्मचारी संघों को भड़का दिया है। पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव की वजह से कोरोना संक्रमित होकर मौत के मुंह में जाने को ड्यूटी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। 1600 से अधिक शिक्षकों की मौत की जिम्मेदारी ना लेना, उनको मुआवजा देने से बचना और शिक्षक संघ की सूची को भ्रामक बताना, ये नितांत गलत है। शिक्षक संघ अपने जो साथी मृतक हो गए हैं उनके परिवारों के हक के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। पंचायत चुनाव की शुरुआत से ही शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारी कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से चुनाव टालने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई।
मौत के आंकड़े देने पर भी उसे पहले दिन से ही नकारा जाता रहा। मुख्य सचिव महोदय सामने आए थे वर्चुअल मीटिंग में, हम लोगों से सभी कर्मचारी नेताओं से बैठक हुई थी और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि जहां तक कर्मचारियों की मृत्यु का बात है, जो कोरोना है वो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 14 दिन क्वारंटाइन का माना जाता है। इस बीच हम ये कैसे कह दें कि जो एक आदमी कर्मचारी अपने घर से ड्यूटी के लिए गया और ड्यूटी को अंजाम देकर अपने घर में अगर डेथ होती है तो उससे माना जाएगा। सरकार का दावा अपनी जगह है लेकिन हकीकत अलग लगती है। लखनऊ के त्रिवेणी नगर के रहने वाले लीलाधर दीक्षित 57 साल के थे। चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाई गई ट्रेनिंग में 12 अप्रैल को गए थे। वहां से लौटने के बाद से ही असहज हो गए। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण देखकर परिजनों ने उनका टेस्ट करवाया। आशंका सही निकली, रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन मिली 4 दिन बाद। इस वक्त तक उन्हें अस्पताल में दाखिला नहीं मिला। किसी तरह 17 अप्रैल को तमाम जुगाड़ लगाकर अस्पताल में भर्ती तो हो गए लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ने की वजह से नहीं रहे। परिवार में पत्नी आशा रानी के अलावा एक बेटा और बेटी है। इन्हें सरकार का ताजा फरमान किसी उपहास की तरह लग रहा है। रात के ड्यूटी से आए हैं 14 तारीख को, उनको कुछ भारीपन लगा, बदन दर्द लगा, तो हमने उनको 15 तारीख को दवा लेने गए कैरियर में, तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप कोविड टेस्ट कराइए फिर मैं दवा दूंगा। तो तुरंत कोविड टेस्ट करा लिया, उसमें कोई बात ही नहीं, चलिए ठीक है। टेस्ट कराने में रिपोर्ट कहा 17 को मिलेगी, 15 को नहीं तुरंत दिया उन्होंने, 17 को रिपोर्ट मिलेगी। तो 17 को रिपोर्ट मिलने से पहले ही सुबह से उनकी कुछ कुछ तबीयत खराब होने लगी, हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए उनको निकाल दिया। झांसी के बंगरा ब्लॉक के लारोन गांव में सहायक टीचर रितु पांचाल की भी कोरोना से 7 मई को मौत हो गई। चुनाव के दौरान रितु की जान गई। झांसी के प्रेम नगर के खाती बाबा में रहने वाला उनका परिवार दुख में डूबा है। रितु के पति छोटी सी दुकान चलाते हैं। 12 साल की बेटी और 17 साल के बेटे के लिए आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बंगरा ब्लॉक में टीचर थी तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी ग्राम पंचायत इलेक्शन में, इस दौरान उनको कोविड हो गया 7 तारीख को। कोई सरकार से आपको क्या कोई मदद मिली है? अभी कोई मदद नहीं मिली। राय बरेली में भी मृत शिक्षकों के परिवार को झटका लगा है। अकेले राय बरेली में 49 शिक्षकों की मौत के शिक्षक संघ ने दावे किए हैं। इनमें राही ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल बकवारा के टीचर संदीप कनौजिया भी हैं, जिनकी पत्नी सविता और 16 साल के बेटे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर सरकार से पूरी मदद नहीं मिली तो उनका भविष्य क्या होगा। उनकी 14 तारीख को इलेक्शन ड्यूटी में लगी थी, उसके पहले बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल फिट थे। जब वहाँ से आए तो उनको कहते हैं काफ़ी वीकनेस फील हुई और जब टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव निकले वो। उसके बाद हम लोगों को उन्हें लालगंज L2 में रेफर कराया गया जहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। नियमों का हवाला देकर सरकारी फरमान तो जारी हो गया लेकिन इसकी वजह से दर्जनों मृत शिक्षकों के परिवारों पर जो गुजर रही है उसका दर्द सिर्फ वही जानते हैं। ABP गंगा के लिए रायबरेली से डॉक्टर पंकज और झांसी से चंद्रकांत के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।